हमीरपुर महिला थाना परिसर में पब्लिक पुलिस एसोसिएशन के सहयोग से हैंड सैनिटाइजर स्टैंड और सैनिटाइजर भेंट किए गए। पुलिस पब्लिक एसोसिएशन ने पूरे जिला भर के थानों और चौकियों में कोरोना से निपटने के लिए हैंड सैनिटाइजर स्टैंड भेंट किए जा रहे हैं, जिसके तहत ही आज महिला थाना परिसर में भी हैंड सैनिटाइजर स्टैंड लगाया गया है। पीपीए के अध्यक्ष रमेश चंद ने बताया कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए पीपीए काम कर रही है और पुलिस थानों में सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं, इसलिए बचाव के लिए पीपीए काम में लगी हुई है। साथ ही पब्लिक पुलिस एसोसिएशन के सदस्य मुन्ना वर्मा ने अपने पिता की याद में महिला थाना परिसर में वाटर कूलर को भी भेंट किया। मुन्ना वर्मा ने बताया कि अपने पिता स्वर्गीय गिरधारी लाल वर्मा की याद में वाटर कूलर भेंट किया है और लक्ष्य को लेकर चले हैं कि आगामी कुछ सालों में 101 वाटर कूलर के अलावा 101 बार रक्तदान करेंगे और साथ ही 101 कन्याओं की शादी भी करेंगे। इस अवसर पर पब्लिक पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद, कोषाध्यक्ष मुनीश पुरी, महासचिव राजीव पुरी, प्रेस सचिव जसवीर कुमार, जसवंत सिंह, महिला थाना एसएचओ किरणबाला, एएसआई बीना देवी, हेड कांस्टेबल अतुल, नीलम ठाकुर, पवन कुमार, नरेश कुमार इत्यादि स्टाफ भी मौजूद रहे। ये हमारे स्वर्गीय पिता श्री गिरधारीलाल वर्मा जी की यादगार में मेरी माता जी श्रीमती संतोष वर्मा जी ने मुझे आग्रह किया कि कूलर आप लगवाएं जहाँ भी जरूरतें हों। तो हमारे पिताजी के मार्गदर्शन से और हमारे एचपीपीए के हमारे सदस्यों के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आज इस काम को संपूर्ण किया और जिंदगी में एक ही लक्ष्य है कि हमने 101 कूलर, 101 बार खूनदान और 101 लड़कियों की शादी में हमने मदद कर दी। तो अब तक लक्ष्य कहाँ तक पहुँचा है? अब तक देखिए लगभग 15 से 16 लड़कियों की शादी में हम लोग मदद दे चुके हैं, लगभग 18 बार मैं खुद खूनदान कर चुका हूँ और लगभग 6 कूलर हमारे इस पर लगाए। तो उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में हमें अपना कार्यक्रम पूरा करें ऊपर वाले के आशीर्वाद से। धन्यवाद।